ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग इसका यूज करते हैं, क्वेश्चंस को में इसका जब यूज करते हैं तो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल बन जाते हैं। अगर यूज नहीं करेंगे तो भी सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। बट एग्जाम्स में क्या होता है, बहुत बार टाइम आपका जो है बहुत कम होता है, और वहां पर क्या होगा कि आपको जो है जितना जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन कर लें और सही करें उतना ही अच्छी बात रहती है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें यहां पर जो कैसे हम लोग को जो सॉल्व करना है, तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के सोर्स होते हैं। फर्स्ट सोर्स इज कॉल्ड एज द वोल्टेज सोर्स, सेकेंड सोर्स इज कॉल्ड एज द करंट सोर्स। हम लोग को दोनों को आपस में जो ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक करंट सोर्स है। ठीक है, लेट अस टेक कि इसकी जो वैल्यू है वो आपकी आईएस है। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके जो है पैरेलल में होगा, दैट इज इक्वल टू आरएस, एंड दिस इज कॉल्ड एज द टर्मिनल्स। ये मान लीजिए आपका टर्मिनल ए हो गया और दिस इज टर्मिनल बी। मेरे पास सेकेंड आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके जो है सीरीज में, और दिस इज अ वोल्टेज सोर्स वी, वी एस मान लेता हूँ, और यहाँ पर क्या है आपका टर्मिनल आपके ए एंड बी हैं। ठीक है, और ये मान लीजिए आपका आर एस है, द रेजिस्टेंस, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स। टू टाइप ऑफ द सोर्सेस आई हैव गिवन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया, बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने यहां पर इसको जो शॉर्ट सर्किट कर दिया, मैंने लोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, लोड को इसमें भी शॉर्ट सर्किट कर दिया। लोड में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, मतलब लोड में जो करंट यहां फ्लो होनी चाहिए वही करंट यहां पर भी फ्लो होनी चाहिए। क्लियर है बात। यहां पर करंट मान लीजिए मैं आई मान रहा हूं, तो यहां पर भी करंट आपकी जो है आई फ्लो होनी चाहिए अक्रॉस द लोड। क्लियर है। अब आप मुझको ये बताइए कि आप मान लीजिए करंट है, आपको आप यहां से जो फ्लो करना स्टार्ट किए, तो आपको जो है दो पाथ दिखा, एक तो ये पाथ दिखा जिसमें रेजिस्टेंस है, और एक आपको ये वाला पाथ दिखा जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये वाले पाथ में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब आपसे अगर मैं पूछूं कि आप किस वाले पाथ को फॉलो करेंगे, तो आप सिंपल सी बात ये बोलेंगे, सर आई विल फॉलो द नॉन रेजिस्टिव पाथ बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोजेस द करेंट। इसका मतलब क्या है, करंट जो है उस पाथ में फ्लो करता है जहां पर मिनिमम रेजिस्टेंस हो या फिर रेजिस्टेंस हो ही ना। शॉर्ट सर्किट अगर जो पाथ मिल गया तो सबसे अच्छी बात है, उसके लिए जन्नत हो गया एक तरह से। तो करंट आपकी जो है स्टार्ट होगी इधर से, इधर पूरी फ्लो जाएगी, तो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एस हो जाएगा। सर यहां पर भी करंट आपको जो है कितनी फ्लो करानी है, सर सेम करंट इसमें आपकी जो सेम फ्लो होनी चाहिए, क्योंकि लोड में चेंजेस नहीं चाहिए। इट मींस दैट आई शुड बी इक्वल टू आई एस होना चाहिए सर। बात क्लियर है। मैंने यहां पर जो है V इज इक्वल टू आई आर लगा दिया, तो वो यहां पर कितना आ गया, वी एस इज इक्वल टू कितना हो गया, आई एस इंटू आर एस आ गया। वी एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर एस आ गया सर, कुछ क्योंकि और कुछ है ही नहीं सर इस सर्किट में। तो आई एस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, आई एस विल बी इक्वल टू वी एस डिवाइड बाई आर एस होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा, दोनों सोर्स एक तरह से दोनों जो है ट्रांसफॉर्म हो गए। कैसे हो गए देखिएगा, वी एस शुड बी इक्वल टू आई एस इंटू आर एस होना चाहिए, एंड आई एस शुड बी इक्वल टू वी एस अपॉन आर एस होना चाहिए। अगर ऐसा होगा सर्किट में, तो इसका मतलब सर्किट को आप जो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत ध्यान समझिएगा। यहां पर मान लीजिए 1 एम्पीयर का मान लीजिए सोर्स है, और 6 ओम का मान लीजिए यहां पर रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है। आपसे मैंने क्या बोला कि आप इसको जो है वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करो, तो वोल्टेज सोर्स में आप जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो है वीएस वोल्टेज चाहिए, और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस आरएस आएगा, तो वीएस वोल्टेज विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आईएस इनटू आरएस होगा। आईएस इज 1 एम्पीयर एंड आरएस इज 6 ओम, इट मींस दैट 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का आपके पास जो है वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होगा, जो आरएस यहां पर है वही आरएस यहां पर भी, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 6 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां पर क्या, आपने जो है वोल्टेज, यहां पर करंट सोर्स को आपने जो वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया विद द सिंपल टेक्निक, दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई इंटू आर। बट द डायरेक्शन इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज द करंट फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी शुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज द करंट विल फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। अगर ये नीचे होता तो यहां पर हम लोग पॉजिटिव को नीचे करते, बट अगर ये एरो ऊपर है तो प्लेट आपकी जो है पॉजिटिव प्लेट ऊपर रहेगी, नीचे होता तो नीचे कर देते। बात सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बात समझ में आई। अगर मान लीजिए मैं उल्टा पूछता कि आप मुझको ये बताइए कि आपके पास वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है और आपको उसको जो है करेंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप जो है कैसे करते,
आप मुझको ये बताइए। लेट अस टेक कि यहाँ पर आपके पास जो है एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर जो है गिवन है, ये आपका मान लीजिए 6 वोल्ट का है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लीजिए 60 ओम यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। अब इसको आपको जो है यहाँ पर कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में, तो सर कुछ नहीं करना, V इज इक्वल टू आई आर होता है तो I इज इक्वल टू V बाई आर हो जाएगा। सर सही है, तो I विल बी इक्वल टू, प्लेट ऊपर है तो एरो ऊपर रहेगा, तो I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, V डिवाइड बाई आर, V इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 60, दैट इज इक्वल टू 1/10 एम्पेयर का आपके पास सोर्स हो जाएगा और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो इसके पैरेलल में, दैट इज इक्वल टू 60 ओम, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, V इज इक्वल टू आई आर ही बस यूज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इजिली आप जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, बट इसका जो है बहुत ज्यादा यूज होता है इनकेस ऑफ द सर्किट एनालिसिस। हम लोग बहुत कोशिश में इसको जो है करेंगे और सॉल्व भी करेंगे और भी मजा आएगा वहाँ पे, ठीक है ना। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे यहाँ पर जो क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, KCL एंड KVL, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग जो है सॉल्व क्या करेंगे, KCL एंड KVL नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। KCL एंड KVL, अब यहाँ पर क्या, किरचॉफ्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है दो लॉ दिया, फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज द KCL, सेकेंड लॉ इज कॉल्ड एज द KVL। KCL इज कॉल्ड एज द किरचॉफ्स करेंट लॉ एंड KVL इज कॉल्ड एज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ को हम लोग यहाँ पर जो है देखने वाले हैं, What is the KCL? That is called as the Kirchhoff's current law. ये क्या आपका बोलते हैं, ध्यान समझिएगा, the summation of the current at a node or the junction is always zero. The summation of the current at a node or the junction is always zero. मतलब क्या है, sigma of I is equal to zero इन्होंने बोला। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है, इस ये पॉइंट पे बहुत सारी डायरेक्शन से आपकी जो है वो यहां पर जो करंट आ रही है, तो इस वाले नोड या फिर पॉइंट पे जो समेशन ऑफ द करंट होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। मतलब क्या है, मैं यहां पर ले लेता हूं, देखिएगा, ये मान लीजिए आपका I1 हो गया, दिस इज द I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5 एंड दिस इज I6। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि समेशन ऑफ द करंट विल बी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट द सम ऑफ द इनकमिंग करेंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करेंट, तभी तो आपका क्या होगा, टोटल जो है जीरो होगा। तो अगर मैं इनकमिंग को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो इनकमिंग आपकी आई वन आई टू और आई थ्री और आई सिक्स है, तो क्या होगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई सिक्स इनकमिंग हो गया। आउटगोइंग क्या होगा, इसका जो रिवर्स होगा, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, माइनस ऑफ आई फोर माइनस ऑफ आई फाइव विल बी इक्वल टू जीरो, इट मींस दैट आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई सिक्स विल बी इक्वल टू आई फोर प्लस आई फाइव, ठीक है। तो समेशन ऑफ द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ द आउटगोइंग करंट, दिस इज कॉल्ड एज द केसीएल और किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब ये लॉ जो आपका है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये जो आपका डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ध्यान समझिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ये आपका क्या है, कंजर्वेशन, ये लॉ आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सही मन समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है, देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे मैं बोल रहा हूँ। सर आपने बताया था क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, इसका मतलब क्या है, चार्ज आपका जो करंट पे डिपेंड करता है, या फिर करंट आपका जो चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अगर समेशन ऑफ द करंट इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या, समेशन ऑफ द चार्ज विल ऑल्सो बी जीरो, क्योंकि टाइम आपका क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, हो सकता है आपका जो टाइम टी इज इक्वल टू 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड किसी वैल्यू किसी टाइम पे अगर आप जो बात करेंगे तो वहां पर टाइम आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, इन दैट केस द टोटल समेशन ऑफ द चार्ज विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज पे आपका जो केसीएल जो है डिपेंड करता है, बात क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। फर्स्ट लॉ अगर पूछेगा तो आप जो केसीएल बोलेंगे, सेकंड लॉ अगर पूछेगा तो केवीएल बोलेंगे, और फर्स्ट लॉ में अगर जो पूछेगा तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज बोलेंगे, एंड आप ये बोलेंगे द समेशन ऑफ द करंट एट ए नोड और ए जंक्शन, इसको जो है नोड या फिर जंक्शन बोलते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, बात क्लियर है, दिस इज कॉल्ड एज द केसीएल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है केवीएल, ठीक है।
नेक्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज द, नेक्स्ट हमारे पास केवीएल है, दिस इज कॉल्ड एज द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमारा जो है सेकंड लॉ होता है, और सेकंड लॉ बेसिकली क्या कहता है ध्यान समझिएगा। इसको समझने से पहले आप ये देखिएगा, सपोज डेट कि मेरे पास क्या है, एक सर्किट है, दिस इज द एक सर्किट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, दिस इज द क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड है, तब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्किट बोल रहे हैं। और इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, एक लूप बोलते हैं। ये आपका क्या है, एक लूप बन रहा है, देखिए एक आपका जो है क्लोज्ड लूप बन रहा है। तो किसी भी क्लोज्ड लूप में ध्यान समझे, किसी भी क्लोज्ड लूप में समेशन ऑफ द वोल्टेज शुड बी इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ द वोल्टेज शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, वोल्टेज आपका जो है इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यही आपका जो क्या बोलता है, केवीएल बोलता है, सिंपल सा लॉ है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान समझिएगा। अभी मैं आपको जो लूप बोल रहा हूँ, लूप और मेश के बारे के बीच में जो डिफरेंस भी बताऊंगा, सब चीज़ें बताऊंगा, अभी बस इतना समझते रहिए। यहाँ पर मान लीजिए आपका जो वोल्टेज है वी है, यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस है आर है, आर वन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मान लीजिए आर टू है। मैं जो लेता हूँ वही आप लेंगे तो बेटर है, अगर आप जो डायरेक्शन अलग लेंगे तब भी आंसर आएगा, आपके ऊपर है, लेकिन मैं जो रेफरेंस लेके चलता हूँ वो मेरे हिसाब से वो बेस्ट मेरे लिए है, आपके लिए होता डिफरेंस हो कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्शन में घूमिए, जो मैंने एरो का डायरेक्शन लिया है वही आप जो है डायरेक्शन में लीजिए। तो अगर आप नेगेटिव प्लेट में घुस रहे हैं तो आप नेगेटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव प्लेट में घुसेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। क्या मैंने लिखा कि जो है टोटल समेशन ऑफ द वोल्टेज इन ए लूप इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, अगर आप यहां पर जाएंगे तो आप नेगेटिव में इंसर्ट करें तो इसको मैं माइनस वी लिख रहा हूं। इसके बाद यहां पर जाएंगे तो आप रेजिस्टेंस में हमेशा ड्रॉप पॉजिटिव लेते हैं, तो रेजिस्टेंस में हमेशा आपका जो पॉजिटिव ड्रॉप होगा, तो पॉजिटिव में आप जो घुस रहे हैं और नेगेटिव से निकल रहे हैं, और इसमें भी पॉजिटिव से घुस रहे हैं और जो नेगेटिव से निकल रहे हैं, तो ड्रॉप यहां पर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर इसके क्रॉस में V1 बोल रहा हूं और इसके क्रॉस में V2 बोल रहा हूं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, आप इसमें पॉजिटिव में घुस रहे हैं, एरो की डायरेक्शन देखिए, यहां पर आप पॉजिटिव में घुस रहे हैं तो कितना हो जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ, और अगर मान लीजिए यहां पर करंट आपकी जो आई फ्लो हो रही है तो कितना हो जाएगा, आई इंटू आर वन इज द ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर वन विच इज पॉजिटिव बिकॉज यू आर एंटरिंग इन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टेंस, प्लस कितना हो जाएगा यहां पर आई इंटू आर टू विल बी इक्वल टू जीरो, द टोटल समेशन ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखिएगा माइनस वी प्लस वी वन प्लस V2 is equal to zero. It means that V is equal to कितना आ गया? V1 plus V2. ठीक है? देख सकते हैं आप. Drop resistance में हमेशा मैं जो positive मानता हूँ, ठीक है? Positive plate मतलब positive में आप जो है enter करेंगे in case of the resistance. Positive में आप enter कर रहे हैं in case of the resistance. तो positive और positive आ गया, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अगर मैं जो है यहाँ पर लिखूँगा तो क्या है? ये आपका जो है negative हो गया, बाकी सब क्या हो गया? Positive हो गए. तो total आपको voltage कितना मिल गया? Zero मिल गया. क्लियर है बात? कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है समेशन ऑफ द वोल्टेज या फिर समेशन ऑफ द ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज या फिर आईआर आप लिख दीजिए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो समेशन ऑफ द वोल्टेज प्लस समेशन ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो होता है, यह भी लिखा होता है, दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ which we can all easily understand that minus V is the EMF and IR is the summation of the voltage drops is equal to zero. It means that V is equal to V1 plus V2. Simple सी बात है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो केबल होता है वो क्या होता है, सिग्मा ऑफ V is equal to zero, ठीक है ना। सिग्मा ऑफ V is equal to zero का मतलब क्या है, केबल को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान समझिएगा, केबल को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन of energy. How we can say that it is following the conservation of energy? Because we can write it as, देखिएगा, cable is equal to sigma of V is equal to zero है. V is equal to क्या होता है? Potential होता है. Potential is equal to क्या होता है? Work done per unit charge. मैंने आपको बताया था dW upon dQ. V is equal to क्या होता है? Potential is equal to क्या होता है? dW upon dQ. Work done per unit charge. It means that the sigma of V will be equal to zero. इसका मतलब क्या हो गया? Sigma of dW will be equal to zero. Because if the value of dW upon dQ is equal to zero, in that case the sigma of dW will be equal to zero. इसका मतलब क्या है? The total work done will be equal to zero. Total work done is equal to zero. इसका मतलब क्या है? Work done का मतलब क्या होता है? उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज ऑल्सो इन द जूल। इसका मतलब क्या है? सिग्मा ऑफ ई विल बी इक्वल टू जीरो। वर्क डन का मतलब क्या है? एनर्जी। एनर्जी कैन बी ऑल्सो बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ जूल्स।
इसका मतलब सिग्मा ऑफ ई विल बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब द टोटल एनर्जी इज जीरो. इट मीन्स दैट द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्टॉर्ड, इट विल बी ऑलवेज कंजर्व्ड. दैट लॉ इज कॉल्ड एज द केवीएल. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसके बाद एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहां पर केवीएल और केसीएल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है. KVL, KCL are not applicable for the distributed parameters and KVL, KCL are always applicable for the lumped parameter. मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वो चीज़ आप जो ध्यान में रखिएगा. ठीक है, बात क्लियर है. अब यहाँ पर मैंने इसको क्या बोला है, एक लूप बोला है. अब यहाँ पर समझिएगा इस चीज़ को. ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होता है, लूप होता है और मैस होता है. वाट इज लूप एंड वाट इज मैस, सिंपल सा डेफिनेशन है, ध्यान समझिएगा. सपोज दैट कि आपके पास यहाँ पर एक जो है वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है. वोल्टेज सोर्स के यहाँ पर एक आपके पास इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से आपके पास जो रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो लूप क्या होता है, लूप आपका ये भी है, लूप आपका ये भी है. ठीक है ना, बट ध्यान समझिएगा, ये जो आपका लूप है, इस बड़े लूप को मैं दो छोटे लूप में कन्वर्ट कर सकता हूं. इस बड़े लूप को जो यहां से यहां तक है उसको जो है मैं जो दो छोटे लूप में कन्वर्ट कर सकता हूं. जो छोटे लूप को मैंने जो है कन्वर्ट कर दिया, जिसको अब मैं और कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं और उसको तोड़ नहीं सकता हूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैस बोलते हैं. मैस किसको बोलते हैं, मैस का मतलब क्या है, उसको आप अब और ब्रेक नहीं कर सकते. लूप को आप ब्रेक कर सकते हैं बट मैस कैन नॉट बी ब्रेक्ड. इसका मतलब क्या है, ये भी आपका मैस है और ये भी आपका मैस है और इसको मैं जो है लूप बोल सकता हूं. मतलब क्या है, आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, उससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. जैसे कि मैंने यहां पर ये ले लिया और यहां पर ये ले लिया. ठीक है, दो यहां पर ले लिया. दिस इज मैश, दिस इज मैश एंड दिस इज कॉल्ड एज द लूप. इसको भी मैं यहां पर जो लूप बोल सकता हूं, इसको भी मैं यहां पर जो लूप बोल सकता हूं और इसको भी लूप बोल सकता हूं. लूप किसी को बोल सकता हूं, लेकिन मैस मैं उसको बोलूंगा जिसको मैं और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकता. ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और इसको आगे हम चल करके यूज भी करने वाले. तो मैस और लूप में आपको यहां पर जो समझ में आ चुका है, लूप क्या होता है, लूप को हम लोग जो तोड़ सकते हैं मैस में, लेकिन मैस कैन नॉट बी ब्रेक्ड. ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, क्लियर हो गया. तो यहाँ पे आपको जो है केवल और केसीएल भी पूरी तरह से जो है क्लियर होगा कि केवल और केसीएल में क्या करते हैं. केसीएल में हमारा क्या होता है, सम ऑफ द करंट एट ए नोड इज इक्वल टू जीरो, या फिर जंक्शन एट ए जंक्शन इक्वल टू जीरो. और इन केस ऑफ द केवल क्या होता है, द समेशन ऑफ द वोल्टेज इन ए लूप और मैस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. ठीक है, सिग्मा ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, ये भी आपको जो क्लियर हो गया. ठीक है ना, क्लियर है. इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे.